गुल में सदारती इलेक्शन की हलचल, ऑपोजिशन के दोनों सदारती उम्मीदवार लाहौर में सरगर्म। सदारती इलेक्शन में सिर्फ एक रोज बाकी, सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात, पीपल्स पार्टी के वोट इकट्ठे करने की अपनी कोशिशें, अभी तक ऑपोजिशन जमातें मुतहदा उम्मीदवार लाने में नाकाम। सदारती उम्मीदवार पर नून लीग और हलीफ जमातें डट गई। शहबाज शरीफ से मुलाकात में मौलाना फजल रहमान को कामयाब कराने का आज़म, पीपल्स पार्टी ने अपना वोट खामोश करके पीटीआई को फायदा दिया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी दस्तबरदारी के लिए पीपी को 11 जमातों को एतमाद में लेना होगा, मौलाना फजल रहमान बोले। जिस जमात की हट लिस्ट पर खुद मैं हूँ, किसी के बारे में ऐसे कैसे कह सकता हूँ। ऑपोजिशन का एक ही सदारती उम्मीदवार लाने की जदोजहद जारी है। मौलाना फजल रहमान को कामयाब कराने की सर तोड़ कोशिशें करेंगे। हमजा शहबाज इजलास में मौलाना की कामयाबी की दुआ की, हलवा भी इकट्ठे खाया। वोटिंग में पीपल्स पार्टी ने पहले हिस्सा ना लिया, अब इसके लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारी अपील है कि पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान का साथ दे। ख्वाजा साद रफीक। पीपल्स पार्टी को मौलाना फजल रहमान की सदारती दौड़ से दस्तबरदारी की उम्मीद। पीपी सदारती उम्मीदवार चौधरी एतजाज एहसन सबसे बेहतर हैं। अगर मौलाना मान जाएं तो एतजाज सदर बन सकते हैं। कमर जमान कायरा बोले, सियासत में मुआफ़ी नहीं होती, मुआफ़ी का सिलसिला चल निकला तो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी से मुआफ़ी मांगना पड़ेगी। ओपोजिशन मुतहद नहीं, मगर बास इश्यूज पर एक पेज पर होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की पीटीआई के बल्दियाती अराकीन से मुलाकात। पंजाब के फरसुदा बल्दियाती निज़ाम की जगह बेहतरीन सिस्टम लाएंगे, किसी रुकने असेंबली को तरक्याती फंड्स नहीं मिलेंगे, सबको यकसा हकूक देंगे, अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। NA 131 का ज़िमनी इलेक्शन, वलीद इकबाल की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। कहते हैं सख्त मुकाबला होगा, भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के हर हुक्म की तामील की है और आइंदा भी करूँगा। मैं पार्टी का एक कारकुन हूँ, मैंने 40 साल पार्टी की खिदमत की है, मेरा ये हक भी बनता है। एक आदमी अपने इलाके से इलेक्शन हार जाता है, मेरा ख्याल उसको कोई हक हासिल नहीं है, वो अपना इलाका छोड़कर किसी और जगह से जाके इलेक्शन लड़े। NA 124 में ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग के साबिक सदर हाजी हनीफ भी मैदान में आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी और आबिद शेर अली के नामों पर तहफ़ुज़ात का इजहार। पार्टी क़यादत से अंदरून शहर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार को टिकट देने की अपील। हर वजीर को 90 रोज में अपना काम मुकम्मल करने का कहा गया है। उम्मीद है 15 रोज तक इंडस्ट्री की पॉलिसी सामने लाएंगे। पंजाब में सीपैक के हवाले से चीजों को आगे लेकर जाना है। हमने सरमायाकारी के लिए एतमाद का माहौल फराहम करना है। सूबाई वजीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल का राजपूत टाउन में इशाए की तकरीब से खिताब। बादामी बाग सदीकिया कॉलोनी में शादी की खुशियों ने पड़ोसी के घर सफ़े मातम बिछा दी। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से खातून जा बहक, हवाई गोली छत पर खड़ी 22 साल मारिया को लगी। पुलिस ने 4 घंटे बाद मारिया की लाश तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज किया। सगिया पुल में पसंद की शादी पर लड़की के घर वालों की फायरिंग से लड़का जा भाग, लड़की जख्मी हालत में मेयो अस्पताल में मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक लड़के को 9 लड़की को 4 गोलियां लगी, लाश मेयो अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम फरार। दोस्त ने पैसों की खातिर दोस्त को कत्ल कर दिया, कोट लखपत में खालिद नामी नौजवान के अख्वा का ड्रॉप सीन। 2 रोज बाद लाश बरामद, 29 साल खालिद को इसके दोस्त समर खान ने कत्ल किया। पुलिस मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया।
डिफेंस बी ब्लॉक से मॉडल गर्ल अनंत नोली की लाश मिलने का मामला, पोस्टमार्टम मुकम्मल, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं, पुलिस ने मामला मशकूक करार दे दिया। जिस्म के नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए, लवाहिकीन ने पुलिस को कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया। सफाकियत की इंतहा, एक और नन्ही जान दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। बंद रोड के इलाके में 7 साल बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, लवाहिकीन का बच्चे की लाश बाबू साबू चौक में रखकर शदीद एहतजाज। 5 घंटे बाद मुजाहरीन और पुलिस हुकाम के दरमियान मुजाकरात कामयाब, गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मेरिट पर तफ्तीश की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब, मुतासरा खानदान को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब। रायवंड के इलाके में मुलजिम नासिर की 8 साल बच्ची से मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश, बच्ची के शोर मचाने पर मोहल्लेदारों ने मुलजिम को गिरफ्तार करवा दिया, पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा हेल्थ में तब्दीली, पंजाब भर में हेल्थ काउंसिल का बजट बंद, हजारों डेली वेजिस मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। हुकूमत ने आइंदा के लिए डेली वेजिस मुलाजमीन की भर्ती पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। पंजाब के पसमानदा 19 अजला में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के इजरा की मंजूरी, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमिन राशिद की जेर सदारत महकमा हेल्थ का अजलास। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कम आमदनी वाले अफराद को मालियाती तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत लैया में खसरे से अमवात का नोटिस, रिपोर्ट तलब। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद का लेडी वेलिंगटन अस्पताल का अचानक दौरा, अस्पताल की गायनी इमरजेंसी, गायनी वार्ड और जच्चा बच्चा का भी दौरा, मरीजों से सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया, अस्पताल इंतजामात को सहूलियात मजीद बेहतर बनाने की हदायत। नाकिस कुल्फियां बनाने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां मजीद तेज हो गई। लाहौर रीजन में 57 प्रोडक्शन हाउसेस की चेकिंग, 10 से 15 को जुर्माने, 25 प्रोडक्शन यूनिट को वार्निंग नोटिस। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत का मामला, 2 माह में 2 माह जराफे हलाक, अमवात कैसे हुई, इंतजामिया की गफलत या मौत तबई थी। 22 जुलाई को मरने वाले जराफा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल ना आ सकी। जनरल अस्पताल में आर्थोपेडिक के एडवांस ट्रामा मैनेजमेंट कोर्स की अख्तामी तकरीब, शुरुका को ट्रैफिक हादसा में जख्मियों के इलाज मुआलजे के तरीकों से आगाह किया गया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर मोहम्मद तैयब बोले, हादसा में बार वक्त तिबी इमदाद से जख्मियों को माजूरी से बचाया जा सकता है। कौमी हॉकी टीम एशियन गेम्स में शिरकत के बाद रात गए लाहौर एयरपोर्ट पहुंची, कौमी हॉकी टीम निजी एयरलाइन की परवाज QR620 से वतन वापस पहुंची। और एक्सपो सेंटर में बैनुल-अक़वामी फूड टेक्नोलॉजी नुमाइश का दूसरा रोज, 300 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कारोबारी इदारों के स्टॉल्स, ताजर बरादरी की दिलचस्पी।